जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल द रियल फैक्ट में स्वागत है। आपको बताने जा रहे हैं G20 समिट है 2023 9-10 सितंबर को दिल्ली में दोस्तों, यानी रेलवे ने बहुत ही एहतियात बदला है दोस्तों। और आपको बता दें कि करीब 200 ट्रेनें कैंसिल है और 50 ट्रेनों का जो स्टेशन रुकाव का है उसे बदल दिया गया दोस्तों। आपको बता दें कि दिल्ली अभी फिलहाल अभेद किला के रूप में तब्दील कर दिया गया दोस्तों और पूरे दिल्ली को सजा दिया गया दोस्तों। आपको बता दें कि दिल्ली हावड़ा मुंबई और अन्य रूट पर जो ट्रेनें 50 से अधिक ट्रेनें चलती थी उनका स्टॉपेज बदल दिया गया दोस्तों। दिल्ली के बजाय ट्रेनों को किसी और स्टेशन पर रोका जाएगा दोस्तों, जैसे कि गाजियाबाद में ही रोक दिया जाएगा। आपको बताने जा रहे हैं बहुत सारे ट्रेनें जिनका स्टॉपेज गाजियाबाद में ही होने वाला दोस्तों, खास करके 8 से 10 सितंबर तक। आपको बता दें कि G20 समिट होने जा रहा है दिल्ली में, जी हाँ दोस्तों, यानी 20 कंट्री के महानुभाव आएंगे हमारे देश में, जी हाँ दोस्तों। तो प्रयागराज के रास्ते दिल्ली जाने वाली हम सफर 8 सितंबर को गाजियाबाद तक ही चलेगी दोस्तों। फिर गाड़ी नंबर 12303 पूर्वा एक्सप्रेस, ये भी 8-9 सितंबर को गाजियाबाद तक ही चलेगी। गाड़ी नंबर 12273 हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो, ये 8 सितंबर को गाजियाबाद में ही रुकेगी दोस्तों। 12309 पटना राजधानी एक्सप्रेस 8-9 सितंबर को गाजियाबाद तक ही चलेगी दोस्तों। गाड़ी नंबर 12559 शिव गंगा एक्सप्रेस 8-9 सितंबर को गाजियाबाद तक ही रुकेगी। 20817 भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी भी 9 सितंबर को गाजियाबाद तक ही चलेगी। 12301 हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 8-9 सितंबर को गाजियाबाद में रुकेगी। 12423 डिब्रूगढ़ 7-8 सितंबर तक ये गाजियाबाद में रुकेगी। 20801 मगध एक्सप्रेस 8-9 सितंबर को गाजियाबाद तक ही चलाई जाएगी। इसी तरह से गाड़ी नंबर 12561 एंड 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 8-9 सितंबर को नई दिल्ली की जगह पुरानी दिल्ली से चलेगी दोस्तों। तो इस तरह से रेलवे ने बहुत एहतियात बदलते हुए बहुत सारे ट्रेनों का जो रुकाव है जहां से स्टार्ट होगा उसको बदल दिया है दोस्तों। यानी G20 समिट होने वाला दिल्ली में, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में बहुत मेट्रो भी बंद रहेगा दोस्तों। आपको बता दें पार्सल सेवा जो ट्रेन से बुक कर रहे हैं वो भी 8-10 सितंबर बंद रहेगा दोस्तों। यानी 8-9-10 यानी 3 दिन, यानी 9-10 सितंबर को G20 समिट होने वाला है प्रगति मैदान दिल्ली में, जिसके चलते रेल को बंद कर दिया गया या फिर रूट को चेंज कर दिया गया दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भाइयों को ये पता चल सके कि अभी दिल्ली जाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा बाद में दिल्ली जा सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय नंदन रेलवे।